हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस अन्नू रॉय FTR प्रोग्राम के इस लेक्चर वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूं। लास्ट के दो वीडियो आपके CGPSC प्री में पूछे जाने वाले CSET के भाषा हिंदी को लेकर थी। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम छत्तीसगढ़ी भाषा के विषय पर संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, प्रश्न पत्र में अब प्रश्नों का दायरा जो है बढ़ाया गया है, इसलिए लास्ट के जो दो वीडियो थे मेरे, उसमें हिंदी के मैंने जिस तरह लंबे प्रश्नों को लेकर आपको समझाया, छत्तीसगढ़ी भाषा को भी हम वैसे ही हल करने की कोशिश करेंगे। इसके भी दो हिस्से होंगे। एक पक्ष होगा जिसमें हम व्याकरण की उन बारीक चीजों को पढ़ेंगे जिससे प्रश्न हमेशा से पूछे जाते रहे हैं, और दूसरे पक्ष में हम उन चीजों को पढ़ेंगे जिससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। बिना समय को व्यर्थ किए चलिए आज हम शुरू करते हैं FTR में छत्तीसगढ़ी भाषा का भाग एक वाला प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न क्या पूछता है, तो प्रश्न की बात यदि कहूँ तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ी भाषा में कोई भी दायरा सीमित नहीं है। यहाँ व्याकरणिक पक्ष के साथ साथ कुछ साहित्यिक, भाषा और बोली से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को देखें तो कुछ साहित्यकारों से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए गए थे, जो पहले कभी हुआ नहीं था, क्योंकि वो पक्ष जो था वो आपके छत्तीसगढ़ GS में आते थे। लेकिन चूंकि अब दायरा बढ़ रहा है तो कहाँ से किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसकी संभावना या हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए हर एक पक्ष को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पत्र को हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। अब हम आते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर, और सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है कि उत्तरी छत्तीसगढ़ी में अगुवाई करने वाली बोली है। ऑप्शन नंबर ए लरिया, ऑप्शन नंबर बी खल्टाही, ऑप्शन नंबर सी सरगुजिया और ऑप्शन नंबर डी हलवी। छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत जब बोली भाषा को लेकर सर्वेक्षण किया गया तो ये पाया गया कि यहाँ के लोगों ने तीन तरह के छत्तीसगढ़ी के नाम प्रभावित बताए। एक वे थे जिन्होंने अपने स्थान विशेष को प्राथमिकता दी, जैसे कि जशपुरी, सरगुजिया, कांकोरी, बिलासपुरी। कुछ ऐसे थे जिन्होंने बाह्य राज्य की भाषाओं से प्रभावित छत्तीसगढ़ी को नाम दिया, जैसे कि लरिया, खल्टाही, गौरव और गौरिया। कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपनी जाति को प्राथमिकता दी, सतनामी छत्तीसगढ़ी, डंगचगह छत्तीसगढ़ी, देवार छत्तीसगढ़ी, पनकी, पंडो। ये ऐसे थे जिन्होंने अपनी जाति को प्राथमिकता दी। नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार शिवनाथ नदी को माध्यम मानते हुए इसके पांच वर्गीकरण कर दिए गए, केंद्रीय छत्तीसगढ़ी, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। प्रश्न ने ये पूछा है कि उत्तरी छत्तीसगढ़ी में अगुवाई करने वाली यानी कि जितनी भी जातिगत, स्थानगत या बाह्य भाषाओं से प्रभावित छत्तीसगढ़ी थी, उनमें से उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, केंद्र में जो छत्तीसगढ़ी थी उनमें पहल करने वाली कौन सी थी। तो प्रश्न के अनुसार यदि हम देखें तो लरिया जो है वह हमारे लिए पूर्वी छत्तीसगढ़ी में प्राथमिकता रखती है, खल्टाही जो है पश्चिमी छत्तीसगढ़ी में प्राथमिकता रखती है, हलबी जो है वो दक्षिणी छत्तीसगढ़ी में प्राथमिकता रखती है, इसलिए इसका आंसर होगा सरगुजिया, ऑप्शन नंबर सी। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत पंडो जो रखा है, नागवंशी जो रखा है, सरगुजिया जो रखा है, उसमें से उत्तरी छत्तीसगढ़ी में पहल करने वाली या प्राथमिकता रखने वाली बोली जो है वो है सरगुजिया बोली। क्वेश्चन नंबर टू, गदबा किस भाषा परिवार की सदस्य है। भारतीय भाषा परिवार के जिस तरह मैंने प्रयोग हिंदी भाषा में बताए थे, वैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर भी भाषा परिवार के प्रयोग किए जाते हैं। जब किसी भाषा का जन्म एक मूल भाषा से होता है तो उसे भाषा का परिवार कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत भी भाषा परिवार प्रयोग किए जाते हैं, तो उसमें पूछा कि गदबा किस भाषा परिवार की सदस्य है। ऑप्शन नंबर ए आस्ट्रिक, ऑप्शन नंबर बी मुंडा, ऑप्शन नंबर सी आग्रेय या ऑप्शन नंबर डी सभी। हिंदी भारतवर्ष के अंतर्गत भारतीय भाषा परिवार में सबसे बड़ी भाषा परिवार मानी जाती है भारूपीय को, दूसरी मानी जाती है द्रविड़ को, तीसरी मानी जाती है हमारे लिए आग्रेय, आस्ट्रिक या आग्नेय भाषा परिवार, जिसका प्रयोग मध्य भारत और पूर्वी भारत के कुछ हिस्से में जो है वो किया जाता है। इसलिए गदबा, खड़िया,
कोरकू, मवासी, निहाली, खैरवारी, विदहो, नगेसिया, सौता, मांझी, मंझवार कहें, ये सब हमारे लिए मुंडा भाषा परिवार के सदस्य हैं। अब मुंडा भाषा परिवार को ही आस्ट्रिक भी कहा जाता है, उसे आग्रेय या आग्रेय भाषा परिवार भी कहा जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2, गद्बा किस भाषा परिवार की सदस्य है कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यह सभी के अंतर्गत आती है, यानी कि मुंडा भाषा परिवार को ही आग्रेय, आग्नेय या आस्ट्रिक भाषा परिवार कहा जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थ्री कहते हैं, किस साहित्यकार के द्वारा इस राज्य को चेदिशगढ़ कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए है ग्रियर्सन, ऑप्शन नंबर बी है काव्योपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी है एल्विन और ऑप्शन नंबर डी है वर्मा। यानी कि इस राज्य के नामकरण में किस साहित्यकार के द्वारा इस राज्य को चेदिशगढ़ के नाम से पुकारा गया? तो यहाँ पर सर जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम दिया है, मुंशी हीरालाल काव्योपाध्याय का नाम दिया है, वेरियर एल्विन का नाम दिया और नरेंद्र देव वर्मा जी का नाम दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य के अर्थ और नामकरण में मुंशी हीरालाल काव्योपाध्याय का मत रहा है कि इस राज्य में चूंकि चेदी वंश के शासक थे, इसलिए कहीं कहीं इसका उल्लेख चेदिशगढ़, चेदिश्यगढ़ या चेदिश संवत के नाम से पुकारा जाता है। इसलिए इस साहित्यकार में से चेदिशगढ़ कहने वाले हैं मुंशी हीरालाल काव्योपाध्याय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन में, नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है, दक्षिणी छत्तीसगढ़ ही प्रभावित है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार छत्तीसगढ़ी के पंचमुखी वर्गीकरण किए, केंद्रीय, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। तो यहाँ प्रश्न पूछा है कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ ही प्रभावित है। ऑप्शन नंबर ए है मराठी से, ऑप्शन नंबर बी है उड़िया से, ऑप्शन नंबर सी है गोड़ से और ऑप्शन नंबर डी है सभी से। छत्तीसगढ़ के नक्शे को देखने पर यह प्राप्त होता है कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण का हिस्सा 3 तरफ की बोली भाषाओं से प्रभावित है। पश्चिम की ओर है वहाँ से प्रभावी मराठी, पूर्व की ओर है उड़िया और दक्षिण में गोड़ से इसका प्रभाव द्रविड़ भाषा से प्रभावित माना जाता है। इसलिए दक्षिणी छत्तीसगढ़ ही कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर डी सभी से प्रभावित है, पश्चिमी मराठी, पूर्वी उड़िया और दक्षिण का गोड़। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 में, प्रश्न 5 क्या कहता है कि पूर्वी छत्तीसगढ़ी में आने वाली बोली निम्न में से नहीं है, अर्थात जो पूर्वी छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत जो बोलियों को स्थान दिया गया था उनमें से कौन सी बोली है जो पूर्वी छत्तीसगढ़ी में नहीं आती? ऑप्शन नंबर ए है चर्मशिल्पी, ऑप्शन नंबर बी है बिंझवारी, ऑप्शन नंबर सी है लरिया और ऑप्शन नंबर डी है गौरिया। तो पूर्व की ओर जहाँ छत्तीसगढ़ राज्य का सीमा दायरा सबसे ज़्यादा उड़ीसा क्षेत्र को छूता है, जहाँ से उड़िया के तत्वों का प्रभाव देखने को मिलता है, तो पूर्वी छत्तीसगढ़ ही में यहाँ से जो गौरिया है वह उस क्षेत्र विशेष की बोली में स्थान प्राप्त नहीं करती, यह गौरिया केंद्रीय छत्तीसगढ़ ही के अंतर्गत अपना स्थान प्राप्त करती है। इसलिए पूर्वी छत्तीसगढ़ी में आने वाली बोली निम्न में नहीं है, तो चर्मशिल्पी, बिंझवाली, भूलिया, लरिया, कलंगा, कालंजिया ये सब हमारे लिए पूर्वी छत्तीसगढ़ी की सदस्य हैं, लेकिन जो गौरिया है वह केंद्रीय छत्तीसगढ़ी की सदस्य होने की वजह से पूर्वी छत्तीसगढ़ी में अपना स्थान प्राप्त नहीं कर सकती। आते हैं अगले क्वेश्चन में, ग्रियर्सन द्वारा रचित, सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है जिसमें छत्तीसगढ़ी भाषा की चर्चा, उसकी विशेषता उदाहरण सहित उल्लेखित है? साहित्यकार हैं सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, उनके द्वारा ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ी भाषा की चर्चा, उनकी विशेषता उदाहरण के साथ उन्होंने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर बी है फोक सॉन्ग्स ऑफ छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन नंबर डी इस्तावर दला लिलते रात्यू एंडुई ए हिंदुस्तानी। तो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान ये सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दूसरी बात,
वेरियर एलविन के द्वारा छत्तीसगढ़ी लोक गीतों पर आधारित है फोक सॉन्ग्स ऑफ छत्तीसगढ़। तीसरा, इस्तावर दला लिलते रात्यू एंदुई ए हिंदुस्तानी एक फ्रेंच साहित्यकार थे, गार्सा दत्तासी उनकी रचना है, लेकिन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर सी ये एक ऐसी रचना है सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की, जिसके अंतर्गत उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा की चर्चा की है, उसकी विशेषता बताई है उदाहरणों के साथ में। तो ऑप्शन नंबर आपका आता है सी। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 की, छत्तीसगढ़ राज्य में छंद शास्त्र के मर्मज्ञ कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए गोपाल चंद्र मिश्र, ऑप्शन नंबर बी रेवाराम बाबू, ऑप्शन नंबर सी दानेश्वर शर्मा और ऑप्शन नंबर डी पंडित जगन्नाथ प्रसाद भानु। छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत साहित्यिक क्षेत्र में योगदान देने की वजह से यहाँ के साहित्यकारों को कुछ विशेष उपाधियों से विभूषित किया गया था, जैसे कि सुंदरलाल शर्मा को तुलसीदास कहा जाता है, इसी तरह शिवायन की रचना करने वाले नरसिंह दास वैष्णव को छत्तीसगढ़ के सूरदास की उपाधि दी गई है, इसी क्षेत्र विशेष में वाल्मीकि की उपाधि दी गई है पंडित गोपाल मिश्र को। तो छंद शास्त्र के मर्मज्ञ कौन कहलाते हैं? तो गोपाल चंद्र मिश्र हैं हमारे लिए छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि, रेवाराम बाबू जो हैं वो एक राजकवि थे, दानेश्वर शर्मा जो है साधारण से एक साहित्यकार थे, इन्हें कोई विशेष उपाधि से विभूषित नहीं किया गया था, लेकिन जगन्नाथ प्रसाद भानु की जितनी भी रचनाएँ हैं उन सभी रचनाओं में छंद से संबंधित प्रयोग देखने को मिलते हैं, इनकी रचनाओं को छंद शास्त्र से प्रभावित अंक विलास ज्योति विलास पर आधारित जो अंक शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र है उस पर आधारित इनकी रचना मानी जाती है, इसलिए छंद शास्त्र के मर्मज्ञ के नाम से छत्तीसगढ़ में जाने जाते हैं पंडित जगन्नाथ प्रसाद भानु। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में, छत्तीसगढ़ की पहली समीक्षात्मक रचना का नाम है, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ समीक्षा साहित्य, ऑप्शन नंबर बी चिन्हारी, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ साहित्य और साहित्यकार और ऑप्शन नंबर डी है मेरी समीक्षात्मक रचना। छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत जब साहित्यिक गतिविधियों ने अपना एक विशेष परचम लहराया, यानी कि हिंदी साहित्य के बराबर उन्होंने जब अपनी छत्तीसगढ़ साहित्य को समाज के सामने लाकर प्रस्तुत किया, उस समय छत्तीसगढ़ के अंदर भी आलोचक समालोचक जैसे और समीक्षात्मक रचनाकारों का उद्भव देखने को मिलता है। उसी समय छत्तीसगढ़ की प्रथम समीक्षात्मक रचना विनय पाठक के द्वारा छत्तीसगढ़ साहित्य और साहित्यकार के नाम से लिखी गई थी। तो छत्तीसगढ़ की प्रथम समीक्षक यदि हम कहें तो डॉक्टर विनय कुमार पाठक है और उनकी रचना छत्तीसगढ़ साहित्य और साहित्यकार को छत्तीसगढ़ की पहली समीक्षात्मक रचना के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या पूछता है, छत्तीसगढ़ी भाषा में व्यंजन के कितने भेद हैं? छत्तीसगढ़ी की स्वयं की अपनी कोई लिपि विशेष नहीं है, यह छत्तीसगढ़ी राज्य जहाँ पर मुंशी हीरालाल काव्योपाध्याय का सबसे बड़ा योगदान देखने को मिलता है, जब उन्होंने 1885 में देवनागरी लिपि में प्रयोग किए जाने वाले वर्णाक्षरों को लेकर छत्तीसगढ़ी बोली और व्याकरण नामक पुस्तक को लिखा, जिसे ग्रियर्सन ने पढ़ा तो उन्होंने यह पाया कि एक ऐसा क्षेत्र विशेष जहाँ स्वयं की कोई विशेष लिपि नहीं है, परंतु देवनागरी का प्रयोग करके इन्होंने इतने खूबसूरत से व्याकरण पक्ष को लिखा है, न केवल व्याकरण रहे बल्कि उनके साथ उन्होंने कुछ साहित्यिक प्रयोग भी किए, जहाँ छोटे छोटे लघु कथाएँ छोटे छोटे संवाद के शैली को भी उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। लोचन प्रसाद पांडे की मदद लेकर सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने उसे अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया और कलकत्ता के बैप्टिस्ट मिशन प्रेस में छपने के लिए भेज दिया। जब वह ग्रंथ या पुस्तक हमारे सामने प्रस्तुत हुई तब उसमें 5 वर्ष का समय बीत चुका था, इसलिए उसका प्रकाशन वर्ष 1890 मानी जाती है, जबकि उसको लिखा गया था मुंशी हीरालाल काव्योपाध्याय के अनुसार 1885 में। हीरालाल काव्योपाध्याय के अनुसार यदि हम व्यंजन वर्णों की बात करें तो उन्होंने उसे थोड़ा सा अलग किया है, लेकिन वर्तमान समय में राजभाषाओं के गठन होने और छत्तीसगढ़ी भाषा को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से नरेंद्र देव वर्मा ने मानक वर्तनी के अनुसार उस हीरालाल काव्योपाध्याय के द्वारा जो व्याकरण में व्यंजन वर्ण
वर्णों को बांटा था उसे हिंदी से रिलेटेड करके उन्होंने बताया। प्रश्न ये पूछा है कि छत्तीसगढ़ी भाषा में व्यंजन के कितने भेद हैं, तो वर्तमान समय में जो मानक वर्तनी मानी जाती है छत्तीसगढ़ी की, हम उसको लेकर चलेंगे। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 2 और ऑप्शन नंबर डी है 1। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। हिंदी में 4 प्रकार के व्यंजन माने जाते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्म और संघर्षी और एक माना जाता है संयुक्त व्यंजन। लेकिन छत्तीसगढ़ी में संयुक्त व्यंजनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पर अवधि और बघेली और अन्य भाषाओं के प्रभाव से वर्णाक्षर रूपांतरित हो जाते हैं, इसलिए यहाँ संयुक्त व्यंजन को हटा दिया गया। इसलिए देखा जाए तो नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार व्यंजन में स्पर्श है, साथ में अंतः स्थ है और एक है हमारे लिए उष्म या संघर्षी। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि छत्तीसगढ़ी भाषा में व्यंजन के 3 भेद माने जाते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और हमारे लिए उष्म और संघर्षी व्यंजन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है स तथा ख में परिवर्तन करने वाला वर्ण निम्न में से है, वह कौन सा वर्ण है जिसका रूपांतर स और ख में हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है स, ऑप्शन नंबर बी है श, ऑप्शन नंबर सी है श और ऑप्शन नंबर डी है श्र। तो ये श्रीमान जी का श्र जो है यह संयुक्त वर्ण है और छत्तीसगढ़ी के अंदर यह श्र से सर में बदल जाता है, इसलिए श्रीपुर से सिरपुर और श्री से सिर कहा जाता है। और देखा जाए तो यहाँ पर सरोती का स तो प्राथमिकता रखता ही है, बल्कि जो श है और ये जो श है ये श भी स में बदल जाता है, लेकिन जो षटकोण का श है इस षटकोण के श को हम यहाँ पर षटकोण के श से स में भी उच्चारण करते हैं और ख में भी उच्चारण करते हैं। देखा होगा भाषा जब हम कहते हैं तो जब हम भाषा कहते हैं तो इस भाषा को आपने सुना होगा भाषा भी बोलते हैं और साथ में इसे भाखा भी कहा जाता है, साथ में इसे भाखा भी कहते हैं। चूंकि षटकोण का श वर्षा कहता है तो वर्षा से वो हमारे लिए बरखा बन जाता है, दोष से दोष बन जाता है या कभी कभी दोख भी कहा जाता है। तो स तथा ख में परिवर्तन करने वाला वर्ण निम्न में से है, ऑप्शन नंबर सी षटकोण का श। अब आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ी भाषा में स्वरों की संख्या है, छत्तीसगढ़ी भाषा में स्वरों की संख्या है। हीरालाल काव्योपाध्याय के अनुसार 5 लघु और 5 दीर्घ से 10 स्वर होते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा में ऋषिकरी को स्वर में स्थान नहीं दिया गया है और न ही ऋषिकरी छत्तीसगढ़ी में प्रयोग किया जाता है। वो क्षेत्र विशेष जो महाराष्ट्र बॉर्डर से जुड़ा हुआ है या उड़ीसा का क्षेत्र विशेष जहाँ री का प्रोनंसिएशन रू किया जाता है, इसलिए कृपा से कृपा, पृथ्वी से पृथ्वी, सृष्टि से सृष्टि बोला जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि यहाँ री का प्रयोग जो है वो री में किया जाता है। अगर वो ऋग ऋण कहता है तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ी में वो र में छोटी ई की मात्रा में लिखा जाता है, इसलिए 5 लघु 5 दीर्घ से 10 स्वर हुए। पर हीरालाल काव्योपाध्याय जी का कहना है चूंकि यहाँ अवधि भाषा का प्रभाव है इसलिए अवधि भाषा के अनुसार लघु और दीर्घ एक दूसरे के लिए मान्य है। जैसे कि हम यह ओ और औ को कहें, इसी प्रकार हम ए या ए को कहें, तो ये चारों वर्ण एक दूसरे के लिए प्रयोग हैं। जैसे कि देख रहे हैं तो ए से हम ए का भी प्रयोग जो है वो सुनते हैं उच्चारण के अनुसार। तो नरेंद्र देव वर्मा का कहना है कि हाँ यहाँ पर लघु और दीर्घ एक दूसरे के लिए मान्य हैं, परंतु यदि मानक वर्तनी की वर्तमान समय में बात की जाए तो छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत 5 लघु यानी कि छोटा अ, छोटा ई, छोटा उ, छोटा ए और आपका उखली का ओ, इससे 5 लघु स्वर बने और आम का आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ऐनक का ए और औरत का औ, ऐसा करके 5 लघु और 5 दीर्घ से मानक वर्तनी के अनुसार छत्तीसगढ़ी में भी 10 प्रकार के स्वर माने जाते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि परेवा का दीर्घ स्वरूप निम्न में से क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है परेवाओ, ऑप्शन नंबर बी है परई, ऑप्शन नंबर सी है परोना और ऑप्शन नंबर डी है परेवना।
छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत शब्द की जब निर्माण प्रक्रिया की जाती थी तब कभी कभी लघु से दीर्घ बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि जिस शब्द का अंत आ से होता था वहां वा लगा दिया जाता था, जैसे कि टूरा है तो उसका दीर्घ स्वरूप बन जाता था टूरोवा, घोड़ा है तो घोड़वा, बूढ़ा है तो बुढ़वा, ठीक है, और बाघ है तो बघुआ। जिस शब्द का अंत ई से होता था वहां ईया लगा दिया जाता था, इसलिए नदी का दीर्घ रूप हो जाती थी नदिया, भाई से हो जाते थे भैया और बूढ़ी से बुढ़िया। लेकिन कभी ये पाया गया कि कुछ शब्द का अंत आ के साथ साथ वा से भी होता है, तब वहां ना प्रत्यय को जोड़ा गया। अब यदि वो सुवा कहता है तो सुवा से उसका दीर्घ रूप हो जाता है सुवना, और इसी प्रकार दिया से हो जाता है दियना। तो इसी रूप में हम देखेंगे तो परेवा से बन जाता है ऑप्शन नंबर डी परेवना। यानी कि छत्तीसगढ़ में लघु से दीर्घ बनाने के लिए जिस शब्द में आ और वा से अंत होता है वहां ना प्रत्यय लगाकर परेवा का दीर्घ रूप बन जाता है परेवना। अब आते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, निम्न में शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। हाँ, हालांकि आज तक इससे कभी भी कोई प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन देखा जाए तो इससे संबंधित प्रश्न छत्तीसगढ़ के अन्य किसी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो निम्न में से शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए कहता है, तो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत दूसरे राज्य की बोली भाषाओं के प्रभाव होने की वजह से यहाँ वर्णाक्षर जो है अपना परिवर्तन कर लेते हैं। इस परिवर्तन में देखा जाए तो बघेली से प्रभावित है य, जो बदल जाता है ज में, और व बदल जाता है ब में, इसलिए यजमान से हो जाता है जजमान, यात्रा से बन जाती है जात्रा, और इसी तरह वन से बन जाता है वन, और विचार से बन जाता है विचार। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ऋषि के रे का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए इसमें से जजमान जो है वो छत्तीसगढ़ का शुद्ध वर्तनी होगा और ऋग्वेद यानी आपके शुद्ध वर्तनी होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका आता है डी, जहां ऋषि का री प्रयोग ना होकर री में प्रयोग किया जाता है और यह का परिवर्तन बघेली से प्रभावित ज में बदलने की वजह से यहाँ शुद्ध वर्तनी में ऋग्वेद भी है और जजमान भी है, जो यजमान का अपभ्रंशित है, ऋण का प्रयोग नहीं किया जाता। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी भाषा में वर्णों का रूपांतर मुख्यतः किस बोली से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर ए बिहारी, ऑप्शन नंबर बी बुंदेली, ऑप्शन नंबर सी अवधी, और ऑप्शन नंबर डी मराठी। छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का सीमा जितने भी अन्य राज्य की सीमा दायरे को छूता है वहाँ के बोली के भाषाओं के शब्दों को लेकर चलता है, इसलिए छत्तीसगढ़ के अंतर्गत देखा जाए तो वर्ण का जो रूपांतरण है मुख्यतः यहाँ पर प्रभावित है किससे कहा जाए, तो सबसे ज़्यादा यह अवधी से प्रभावित है। मराठी का प्रभाव है क्योंकि मराठी के शब्दों का इस्तेमाल करता है, बुंदेली का प्रभाव है क्योंकि वहाँ के थोड़े छोटे शब्दों का प्रयोग है, और बिहार की भोजपुरी का भी प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन प्रभावित शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वर्णाक्षर रूपांतरित नहीं होते। लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है अवधि, इस अवधि का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, चूँकि अवधि में ऋषि का री का प्रयोग री में किया जाता है जो मैंने अभी बताया, अवधि में शक्कर का श और षटकोण का श प्रयोग नहीं होता क्योंकि ये स में परिवर्तित हो जाते हैं और षटकोण का श जो है वो स के साथ ख में भी परिवर्तन करता है। यहाँ जो संयुक्ताक्षर होते हैं वो संयुक्ताक्षर टूट जाते हैं, जो आपके आरएफ वर्ण होते हैं उसका भी प्रभाव टूट जाता है, तो धर्म से हो जाता है धर्म। क्षत्रिय का क्ष जो है वो छ में भी बदलता है, आवश्यकता अनुसार ख में भी बदलता है, इसलिए क्षेत्र से क्षेत्र या खेत भी कहते हैं, कुशल क्षेम से कुशल क्षेम कहते हैं। यह लट्टू का ल जो र में बदलता है इसलिए होली से होरी और दिवाली से देवारी बन जाता है। यह छत्तीसगढ़ भाषा जो अवधि का सबसे बड़ा प्रभाव मान के चलता है, जहाँ पर वर्णाक्षर जो है वो संयुक्त से विरक्त हो जाते हैं,
वर्णाक्षरों में अपना एक विशेष परिवर्तन देखने को मिलता है और इस आधार पर लघु को दीर्घ और दीर्घ से लघु का प्रयोग किया जाता है। बैठना को हम यहाँ पर आई का उच्चारण करने लगते हैं और बैठना से बन जाता है बैठना, कैसा से कैसा और पैसा से बन जाता है पैसा। इसलिए छत्तीसगढ़ी भाषा में वर्णों का रूपांतरण, छत्तीसगढ़ी भाषा में वर्णों का रूपांतरण मुख्यतः किस बोली से प्रभावित है, तो ऑप्शन नंबर सी अवधि से सबसे ज्यादा प्रभावित है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या पूछता है, 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है छत्तीसगढ़ी में उष्म वर्ण की संख्या कितनी है। तो उष्म वर्ण क्या होते हैं, जिस वर्ण के उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली हवा उष्म या गर्म हो और एक संघर्ष के साथ में उष्म ध्वनि का उच्चारण हो तो उसे उष्म या संघर्षी कहा जाता है। ये हिंदी भाषा में हमारे पास जो हैं वो उष्म संघर्षी छत्तीसगढ़ी भाषा में थोड़े से अलग है। हिंदी भाषा में शक्कर का श, षटकोण का श, सरोते का स और हल का ह उष्म की श्रेणी में आते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा में चूंकि श का परिवर्तन स हो जाता है, षटकोण के श का परिवर्तन स और ख दोनों में हो जाता है, इसलिए ये दोनों यहाँ से हटा दिए गए, बचते हैं केवल स और ह। इसलिए छत्तीसगढ़ी में उष्म वर्णों की संख्या है ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5 एंड ऑप्शन नंबर डी 2। तो उष्म वर्णों की संख्या छत्तीसगढ़ी में है ऑप्शन नंबर डी 2, यानी कि सरोते का स और हल्का ह, ये छत्तीसगढ़ी में उष्म वर्ण माने जाते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्न शब्दों में छत्तीसगढ़ी अर्ध तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए बिहा, ऑप्शन नंबर बी ध्यान, ऑप्शन नंबर सी अक्षरा और ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। तो आखिर ये तत्सम शब्द क्या होते हैं, संस्कृत के शब्दों का हूबहू हिंदी में वैसा ही प्रयोग किया जाए जिस रूप में वो संस्कृत में है, तो ऐसे शब्दों को तत्सम उसी के समान कहकर तत्सम शब्द कहा जाता है, यानी दोज वर्ड्स विच वी टेक फ्रॉम लैंग्वेज ऑफ संस्कृत फॉर यूज ऑफ अवर हिंदी लैंग्वेज। तो जिस संस्कृत के शब्दों का हम हिंदी में उसी रूप में प्रयोग करते हैं वो तत्सम कहलाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत उन्हीं तत्सम शब्दों का प्रयोग अर्ध तत्सम के तौर पर किया जाता है। अब ये अर्ध तत्सम क्या होते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत चूंकि वर्णाक्षर रूपांतरित हो जाते हैं अवधि बघेली से प्रभावित होने की वजह से, इसके वजह से वर्णाक्षर के रूपांतरण हो जाने से उनका प्रोनंसिएशन जो है वो तत्सम ही होता है परंतु उसका रूप जो है वो अपभ्रंशित हो जाता है, इसलिए उसे अर्ध तत्सम कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत भी कुछ तत्सम शब्द हैं, तद्भव हैं, देशज हैं, विदेशज हैं और स्वदेशज शब्द भी हैं। तो यदि हम राम, अचल, अटल, गंगा, गुरु, बलराम, देवता, मंदिर, दानव कहें तो सब हमारे लिए तत्सम हैं, क्योंकि इनका उच्चारण पूर्ण रूप से हिंदी में प्रयोग होने वाले तत्सम शब्दों की तरह है। लेकिन अर्ध तत्सम क्या है, बिहा एक ऐसा शब्द है जो तत्सम नहीं है, ध्यान से वह हमारे लिए ध्यान बना और अप्सरा से हमारे लिए वह अक्षरा बना, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर स जो है आवश्यकता अनुसार छ में बदलता है, इसलिए तो वत्सर से बछर बन जाता है, ठीक है, पैसेंजर से पछिंदर बन जाता है और इसलिए अप्सरा का स जो है छ में बदलने से अक्षरा बना। दूसरी बात कि जिस वर्ण का पहला अक्षर अधूरा होता है, जैसे कि ध्यान कहा, जैसे कि प्यार कहा, तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इस वर्णाक्षर को कर दिया जाता है पूरा और छोटी ई की मात्रा लगा दी जाती है और ध्यान से बन जाता है ध्यान। कुल मिलाकर यह जो ध्यान शब्द है और अप्सरा शब्द है ये तत्सम शब्द है, पर छत्तीसगढ़ी के अनुसार अपभ्रंशित होने पर ध्यान से ध्यान और अप्सरा से अक्षरा बना। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न छत्तीसगढ़ी अर्ध शब्द की तत्सम की पहचान कीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी है बी और सी दोनों, यानी कि ध्यान और अक्षरा छत्तीसगढ़ के अर्ध तत्सम शब्द हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, संगी किसका तद्भव शब्द है, संगी किसका तद्भव शब्द है।
तद्भव उसके बाद हुआ। संस्कृत के शब्दों का हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किया जाना तत्सम कहलाता है, लेकिन संस्कृत के शब्दों का सरलीकरण करके हिंदी ये रूप में उसका परिवर्तन कर देना, जहां अर्थ में परिवर्तन नहीं बल्कि संस्कृत के शब्दों का हिंदी रूपांतरण शब्द जो है वो तद्भव के नाम से पुकारा जाता है। और देखा जाए तो छत्तीसगढ़ी में भी तत्सम से तद्भव पाए जाते हैं। पुस्तक से हो जाती है पोथी, ग्राम से बन जाता है गांव, मत्स्य से मछली और मछली से हो जाती है मछरी, अग्नि से बन जाती है आगी, कुटुंब से हो जाता है कुटुंब, और इसी तरह देखा जाए तो यात्रा से बन जाती है यात्रा। कुल मिलाकर संगी का तद्भव शब्द क्या है कहता है, तो ऑप्शन नंबर ए है मित्र, ऑप्शन नंबर बी है सखा, ऑप्शन नंबर सी है सहपाठी और ऑप्शन नंबर डी है साथी। माना कि ये सभी मित्र के पर्यायवाची हैं, परंतु संगी का तद्भव मतलब जो साथ में रहता है वो है, इसलिए देखा जाए तो मित्र जो है उसका तद्भव मितान होगा और जो साख्य है उसका सखा होगा, और सहपाठी यदि हम कहते हैं तो साथ में पढ़ने वाला होगा, तो संगी का मतलब हम सहपाठी भी ले सकते हैं और साथी भी ले सकते हैं। तो देखा जाए तो संगी किसका तद्भव है कहता है, तो संगी मतलब हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को लेते हैं जो है सहपाठी, जो साथ में हमारे पढ़ता है उसे संगी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको ये डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पर मित्र को भी संगी कहते हैं, सखा को भी संगी कहते हैं, साथी को भी संगी कहते हैं, परंतु यहाँ प्रश्न पर्यायवाची का नहीं है, यहाँ है ये संगी किसका तद्भव है, तो जो साथ में पढ़ने वाला सहपाठी होता है उसे छत्तीसगढ़ में संगी कहा जाता है, इसलिए संगी का तद्भव होगा सहपाठी। देशज शब्द की पहचान कीजिए। मैंने पहले ही बताया कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो राज्य के दायरे हैं उन दायरों से प्रभावित शब्दों का रूप यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसका प्रयोग वर्तमान समय में भी छत्तीसगढ़ के अंदर किया जाता है। कुछ देशज हैं और कुछ स्वदेशज हैं। यहाँ प्रश्न पूछा है निम्न में से देशज शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है मंदिर, ऑप्शन बी है पोथी, ऑप्शन सी है कोहा और ऑप्शन डी है वकील। तो मंदिर तत्सम शब्द है, पोथी तद्भव शब्द है, वकील विदेशज शब्द है, आंसर नंबर सी कोहा, जो पत्थर का या मिट्टी का जो ढेला होता है उसे छत्तीसगढ़ी में कोहा कहा जाता है और यह छत्तीसगढ़ के देशज शब्दों में गिना जाता है, ऑप्शन नंबर सी कोहा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न शब्दों में मराठी शब्द की पहचान कीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य का पश्चिम का हिस्सा जहाँ दुर्ग राजनांदगांव से हम सीमा दायरे को छूने लगे महाराष्ट्र भंडारा की ओर जाने पर, तो हमें दुर्ग राजनांदगांव से ही मराठी शब्दों का प्रभाव देखने को मिलते हैं। मराठा शासक के आने की वजह से बिलासपुर के भी कुछ क्षेत्र में मराठी के शब्दों का विशेष वर्चस्व देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दिया है कि निम्न शब्दों में मराठी शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए ढेकुना, ऑप्शन नंबर बी भाचा, ऑप्शन नंबर सी रक्सा और ऑप्शन नंबर डी सभी। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मराठी शब्दों में प्रयोग होने वाले बलवाची प्रत्यय है जो च एच एचे जो हम लगाते हैं, अतकेच ओतकेच अभिचे कहते हैं, ये बलवाची प्रत्यय महाराष्ट्र की देन है। दूसरी बात, जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं एक दूसरे से और हम ग कहते हैं, कहीं ना कहीं मराठी के गो से भी प्रभावित माना जाता है। कशी ग कशी आहे अगर कहता है तो जो ग शब्द है वो मराठी से प्रभावित माना जाता है। इसके अलावा खाल है, आमचो जैसा शब्द भी मराठी से प्रभावित है। इसके अतिरिक्त जो ढेकुना है, भांचा है, रक्षा है, रक्षा यानी कि राक्षस को कहा जाता है, भांजा को भांचा और ढेकुना यानी जो ढेकुण होता है, जो खटमल होता है, ये सारे शब्द हमें मराठी ने दिए हैं। हम जो भाठा कहते हैं वह भी एक मराठी शब्द है। ठीक है, तो निम्न शब्द में मराठी शब्द की पहचान कीजिए कहता है, तो ढेकुना, भांचा, रक्षा अर्थात ऑप्शन नंबर डी सभी मराठी शब्द हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में, रिंगी चिंगी शब्द की पहचान कीजिए। रिंगी चिंगी शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है तत्सम,
ऑप्शन नंबर बी है देशज, ऑप्शन नंबर सी है विदेशज और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत न केवल देशज रहे, कुछ स्वदेशज भी थे। स्वदेशज मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर ही जिसका प्रयोग किया है। रिंगी चिंगी यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के यदि कहता है तो रिंगी चिंगी शब्द है जो छत्तीसगढ़ी का देशज शब्द है, क्योंकि यह तत्सम नहीं है और न ही यह विदेशज है। इसलिए रिंगी चिंगी यानी कि अनेक प्रकार के, भिन्न प्रकार के, बहुत प्रकार के यदि कहते हैं, तरह तरह का कहते हैं, तो यह एक छत्तीसगढ़ी देशज शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में आते हैं, भुजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भुजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए चेचा, ऑप्शन नंबर बी बइहा, ऑप्शन नंबर सी पहुंचा और ऑप्शन नंबर डी गोड़। अब तक इससे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन चूंकि हम शब्दों की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमें हर प्रकार के प्रश्न को हल करना चाहिए। इसलिए भुजा जो आपकी बांह होती है, तो छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत भुजा को चेचा भी कहते हैं, बहिया भी कहते हैं और पहुंचा भी कहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी में पैर को गोड़ कहा जाता है। इसलिए भुजा का पर्यायवाची शब्द है गोड़, डी जो पर्यायवाची भुजा का नहीं है। अब आते हैं अगले प्रश्न में, बहानाबाजी का उचित पर्याय है। छत्तीसगढ़ी में बहानाबाजी का उचित पर्याय है। ऑप्शन ए ढचरा, ऑप्शन बी ओखी, ऑप्शन सी नौटंकी और ऑप्शन डी है खार। तो यहाँ प्रश्न घुमाया गया है, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ी शब्द कोश से इसे प्रभावित मान सकते हैं। ढचरा का मतलब होता है नाटक करना, नखरे दिखाना। नौटंकी का मतलब होता है नाटक के रूप में उसको प्रस्तुत करना और खार का मतलब होता है दुश्मनी। लेकिन बहानाबाजी के लिए छत्तीसगढ़ी में ऑप्शन नंबर बी ओखी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी में यदि कोई व्यक्ति बहाने करता है तो ओखी झनमार ऐसा शब्द का, वाक्य का प्रयोग वहां पर किया जाता है। तो बहानाबाजी का उचित पर्याय है ओखी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका विलोम शब्द से। विलोम शब्द क्या होते हैं? अपने ही नाम, गुण, धर्म, स्वभाव, प्रकृति से एक ऐसा शब्द जो बिल्कुल विपरीत हो जाए तो उसे विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द, विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है, जो विपरीत लिंग के आधार पर निर्धारित होते हैं, कुछ विपरीत शब्द के आधार पर निर्धारित होते हैं, कुछ को पुरलिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने के लिए प्रत्यय की, तो कभी नकारात्मक उपसर्गों का प्रयोग करके विलोम शब्द का निर्माण किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत भी विलोम शब्द के प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि हरहुना का विलोम शब्द पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए सरहुना, ऑप्शन नंबर बी महरूना, ऑप्शन नंबर सी लहरूना और ऑप्शन नंबर डी है गरहुना। तो हरू का मतलब होता है हल्का, हरू का मतलब होता है हल्का, लाइट वेट, और गरू का मतलब होता है वजनदार। इसलिए यदि वो हरहुना कहता है, इसका प्रयोग देखा जाए तो फसलों को संबोधित करने के लिए कहते हैं, हरहुना धाने, यह गरहुना धाने, ऐसा बोला जाता है। इसलिए हरहुना का विलोम होगा गरहुना, ठीक है, यानी हल्का का भारी होगा, ठीक है। तो यहाँ हरहुना का विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी गरहुना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, एहवाती का विलोम शब्द बताइए। ऑप्शन नंबर ए है दुर्वाती, ऑप्शन नंबर बी है राणी, ऑप्शन नंबर सी है संघलाती और ऑप्शन नंबर डी है ओरवाती। ठीक है, वो ओखाती दिख रहा होगा, वो है हमारे लिए ओरवाती। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सभी को संबोधित करने के लिए अलग अलग नाम जो है निर्धारित है। वयस्क पुरुष को चेलिक कहा जाता है कुछ आदिवासी संप्रदाय के अनुसार, ठीक है। जो जवान महिला है उसे मुटियारी कहा जाता है। जो माता स्तनपान कराती है उसे लैकोरहीन कहा जाता है। और औरत, जनाना, बाई, सुवारी, नारी, सभी महिलाओं को संबोधित किया जाता है। लेकिन जो सुहागन महिला होती है उसे एहवाती के नाम से पुकारा जाता है। तो जो सुहागन है एहवाती कहलाती है, तो उसका विलोम क्या होगा? उसका विलोम होगा ऑप्शन नंबर बी राणी, जो विधवा को कहा जाता है। तो सुहागन का अपोजिट विधवा है, तो एहवाती का विलोम हो जाएगा राणी। अब आते हैं अगले शब्द में,
ठड़गी का विलोम शब्द क्या है? छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ठड़गी किसे कहा जाता है? निसंतान महिला जो होती है उसे ठड़गी कहा जाता है, यानी जो बंधिया होती है, बांझ होती है, जिसकी कोई औलाद नहीं है, उसे छत्तीसगढ़ी में ठड़गी कहा जाता है। तो इसका विलोम क्या है? ऑप्शन ए है लईकोरहीन, ऑप्शन बी है बुड़गी, ऑप्शन सी है ठड़गा और ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। देखा जाए तो सबसे पहला कंफ्यूजन करने के लिए ऑप्शन नंबर ए में ही दे दिया है लईकोरहीन, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि विलोम शब्द जो है वो विपरीत लिंग के आधार पर भी होते हैं। जब राजा रानी है, मोटा मोटी है, दुबला दुबली है, वैसे ही ठड़गी का एक विपरीतार्थक लिंग में ठड़गा भी होगा। लेकिन यदि वो बंधिया लेता है तो स्तनपान कराने वाली महिला लईकोरहीन होगी, इसलिए इसका ऑप्शन होगा आंसर नंबर डी, यानी कि ठड़गी का विलोम शब्द है ए लईकोरहीन भी और सी आपका ठड़गा भी। तो ध्यान रखिएगा कि सारे ऑप्शन को क्लियर पढ़ा कीजिए, क्योंकि पहले ही ऑप्शन जो होते हैं पहले दूसरे के वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले होते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर लईकोरहीन तो है ही, साथ में ठड़गा भी है, इसलिए यदि आप ठड़गी का डायरेक्ट ऑप्शन ए में आंसर लगा दिया तो आपका नंबर वहीं से कट जाएगा, इसलिए पूरे ऑप्शन को बहुत अच्छे से पढ़ा करें। तो क्वेश्चन नंबर 25 ठड़गी का विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। अब आता है अगला क्वेश्चन, निम्न समुच्चारित शब्द का अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए। समुच्चारित शब्द क्या होते हैं? उच्चारण की गलती से एक समान उच्चारण होने वाला, जब हम श को भी स कहते हैं, जब हम क्ष को भी छ कहते हैं, जब हम अड़ा को भी अड़ा बोलते हैं, साथ ही जब हम लेखन का प्रयोग करते हैं तो मात्राओं का प्रयोग भी गलत करते हैं, ऐसी स्थिति में एक समान उच्चारित होने की वजह से उसे समोच्चारित कहा जाता है, एक समान सुनाई देने की वजह से उसे समश्रुत कहा जाता है, और एक ही प्रकार के प्रयोग होकर जब हम उसके अर्थों को जानते हैं तो वह भिन्न होते हैं, इसलिए ऐसे शब्दों को समोच्चारित या भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। तो यहां प्रश्न पूछा है कि भावर और भंवर, इस शब्द का अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है चक्र ऑप्शन और फेरा, ऑप्शन नंबर बी है गोल घेरा, ऑप्शन नंबर सी है फेरा और चक्र, और ऑप्शन नंबर डी है कीड़ा और कोड़ा। ठीक है, देखा जाए तो छत्तीसगढ़ी में भांवर पढ़ना यदि हम कहते हैं तो फेरा को कहा जाता है ना, सात भांवर, मतलब कि जो परिक्रमा होती है फेरा होता है उसे भांवर कहते हैं, और जो भंवर होता है उसे चक्र कहा जाता है, जो गोल घेरा होता है ना उसे चक्र कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी कि भांवर का अर्थ है फेरा और भंवर का अर्थ है चक्र। लेकिन देखिए यदि आप इस ऑप्शन नंबर ए को लगा देते तो जो आपका फेरा है उसे आपने चक्र बना दिया होता और जो चक्र है आप उसे फेरा बना देते, इसलिए अर्थ स्पष्ट जो शब्द करता है उसके स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए ही वहां पर निशान लगाइएगा। तो निम्न समोच्चारित शब्द का अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए कहता है, तो भांवर का है फेरा और भांवर से बनता है चक्र, सो ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन में, निम्न समोच्चारित शब्द का अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए। फिर से एक क्वेश्चन दिया है मैंने, कुहरा और कोहरा, ये दो ऐसे शब्द हैं जिसका अर्थ भेद बताना है। ऑप्शन नंबर ए है धुआं धुंध, ऑप्शन नंबर बी है धुंध धुआं, ऑप्शन नंबर सी है धुआं भूसा, और ऑप्शन नंबर डी है भूसा और धुआं। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कुहरा यदि हम कहें तो यहाँ पर धुआं को कुहरा कहते हैं, कि जब हम लकड़ी में आग लगाते हैं तो जो धुआं उठता है उसे कुहरा कहते हैं। ठीक है, कुहरात है, कुहरा उड़ियात है बोलते हैं, लेकिन जो कोहरा होता है यह बरसात के समय में जो धुंध होता है उसे कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत भी देखा जाए तो कुहरा का मतलब होगा हमारे लिए धुआं और कोहरा का मतलब होगा हमारे लिए धुंध, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर ए धुआं और धुंध।
ठीक है, तो धुआं और धुंध। अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है किस युग्म का मेल संगत नहीं है। यहाँ पर शब्दकोश से प्रश्न खेला गया है कि यहाँ पर जो युग्म शब्द है, यानी कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा हिंदी की तरह जोड़े में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम द्वंद्व समास पढ़ते हैं ना, आंधी तूफान, हलवा पूड़ी, सेठ साहूकार, खीर पूड़ी, दाल चावल, ऐसे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत भी युग्म शब्द प्रयोग किए जाते हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो किस युग्म शब्द का मेल संगत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है कर्जा बोड़ी, ऑप्शन नंबर बी है तेल फूल, ऑप्शन नंबर सी है एकर एकरा, और ऑप्शन नंबर डी है कांटा खूटी। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कर्जा बोड़ी में मैं बुझा गए हूँ कहते हैं, साथ में तेल फूल चुपरले भी कहते हैं, और कांटा खूटी कति झंझावे ऐसे प्रयोग जोड़े में किए जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी एकर ओकर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ दिया है एकर एकरा, जो युग्म का मेल संगत नहीं है। इसलिए 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एकर एकरा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, बिना ब्याह किए पर पुरुष के साथ भाग जाना इस हेतु उपयुक्त छत्तीसगढ़ी शब्द है। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत भी हम वन वर्ड आंसर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अनेक शब्दों का एक शब्द, समूह शब्दों का एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो बिना ब्याह किए पर पुरुष के साथ भाग जाने के लिए छत्तीसगढ़ी में कौन से शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है प्रेम पलायन, ऑप्शन नंबर बी है उड़हरिया, ऑप्शन नंबर सी है प्रेम विवाह, और ऑप्शन नंबर डी है गंधर्व विवाह। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पर पुरुष के साथ में यदि कोई लड़की या महिला भाग जाती है तो उसे उड़हरिया कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। मरी शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग होगा जिससे उसका अर्थ मोटी हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर प्रीफिक्स से पूछा गया है उपसर्ग, मतलब कि किसी भी धातु शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द में एक नयापन, विकार या रूपांतर उत्पन्न करने वाले शब्द को उपसर्ग कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत भी उपसर्गों की संख्या मानी जाती है। यहाँ हिंदी प्रभावित उपसर्ग हैं, उर्दू प्रभावित उपसर्ग हैं, साथ ही कुछ विशेष छत्तीसगढ़ी के भी उपसर्ग हैं जो प्रयोग किए जाते हैं। माना कि शब्दों का जो प्रयोग है वो अपभ्रंशित हो जाता है, परंतु यहाँ उस उपसर्ग और प्रत्यय का भी प्रयोग विशेष तौर पर किया जाता है। प्रश्न ने कहा है कि मरी शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाएंगे जिससे उसका अर्थ मोटी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है हु, ऑप्शन नंबर बी है खू, ऑप्शन नंबर सी है धू, और ऑप्शन नंबर डी है कू। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मोटा व्यक्ति को पर्यायवाचक तौर पर धूमरा भी कहा जाता है, इसलिए यदि वह महिला मोटी है तो उसे धूमरी कहेंगे। तो मरी शब्द में हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी धू, और धूमरी होकर वह महिला जो है वह मोटी कहलाएगी। तो मरी शब्द में धू उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ धूमरी अर्थात मोटी हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न शब्दों में छत्तीसगढ़ी उपसर्ग की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है अड़, ऑप्शन नंबर बी है अटा, ऑप्शन नंबर सी है कले, और ऑप्शन नंबर डी है सभी। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत विदेशज उपसर्ग जो आपके उर्दू से हैं उनके भी प्रयोग हैं, साथ में हिंदी के भी प्रयोग हैं, लेकिन मैंने अभी बताया कि कुछ विशेष उपसर्ग हैं जो छत्तीसगढ़ से ही हैं, इसलिए उन्हें देशज उपसर्ग कहा जाएगा, जिसमें अड़ से बनता है अड़कट्टा, अड़गड़, अड़गसनी, अटा टूट जैसा शब्द, कले कल, कले चुप कहते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ के उपसर्ग की पहचान कीजिए कहता है। तो अड़, अटा और कले सभी जो हैं वह छत्तीसगढ़ी उपसर्ग हैं जिसका प्रयोग छत्तीसगढ़ी शब्दों के निर्माण में किया जाता है। तो 831 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला क्वेश्चन है मोरे शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय शब्द बताइए। किसी भी धातु शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द में एक नयापन, एक विकार या एक रूपांतर उत्पन्न करने वाले शब्द को प्रत्यय कहा जाता है। शब्दांश जो पहले जुड़े वो उपसर्ग है और शब्दांश जो अंत में जुड़े वो प्रत्यय है।
छत्तीसगढ़ के इस प्रश्न में मोरे शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय का बताना है, शब्द की कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए है रे, ऑप्शन नंबर बी है ए, ऑप्शन नंबर सी है ए और ऑप्शन नंबर डी है ए। ठीक है, तो मोर शब्द यानी कि मेरा, मोर शब्द का मतलब होता है मेरा। ठीक है, दूसरी बात कि यहाँ पर बलवाची प्रत्यय का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम कहते हैं ए हर मोरे, मतलब कि मेरा ही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ए का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो मोरे, तोरे, एकरे, ओकरे कहता है, तो यह एक बलवाची प्रत्यय है जिसका अर्थ होता है ही। तो मोरे मतलब मेरा ही, तो ऐसे प्रयोग में, तो मोरे शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय शब्द है ऑप्शन नंबर सी ए। अब है अगला क्वेश्चन, हूं प्रत्यय का प्रयोग कहां गलत है, हूं प्रत्यय का प्रयोग कहां गलत है। ऑप्शन नंबर ए है महू, ऑप्शन नंबर बी है एहू, ऑप्शन नंबर सी है तहू और ऑप्शन नंबर डी है जाहू। मैंने अभी बताया कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कुछ बलवाची प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं, तो हूँ जो है एक बलवाची प्रत्यय है जिसका प्रयोग है भी। तो महू जाहू यानी मैं भी जाऊंगा, एहू जाही मतलब यह भी जाएगा, तहू जावे मतलब तू भी जाएगा, तो इसमें इनका प्रयोग सही है। लेकिन यदि वो जाहू कहता है तो जाहू का मतलब छत्तीसगढ़ी में जाऊंगा हिंदी का परिवर्तित रूप है, इसलिए हूँ प्रत्यय का प्रयोग ऑप्शन नंबर डी जाहू में सही नहीं है। बाकी जगह मैं ही से मही बनता है, तय ही से तही बनता है, वैसे ही मैं भी के लिए महू, तुम भी के लिए तहू का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ये जो तीन है इसमें हो प्रत्यय का प्रयोग सही है, परंतु ऑप्शन नंबर डी जाहू में हो प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, बलवाची प्रत्यय है। बलवाची प्रत्यय क्या होते हैं, जब किसी शब्द पर या वाक्य पर बल देना होता है तो वहाँ कुछ ऐसे प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है जिसके प्रयोग से उस शब्द पर एक विशेष बल या प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कुछ बलवाची प्रत्यय के इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें से कुछ बलवाची शब्द जो हैं वो महाराष्ट्र से प्रभावित हैं। तो प्रश्न ने ये पूछा है कि बलवाची प्रत्यय है च, एच, हु और ऑप्शन सी डी है आपका सभी। तो छत्तीसगढ़ी के अंदर च ही कहते हैं, जैसे लईकच लईका मतलब बच्चे ही बच्चे, है ना, छाताच करियाच बोलते हैं, इसी प्रकार एच बोलते हैं, एकरेच ओकरेच मोरेच तोरेच कहते हैं, महू तहू एहू ओहो कहते हैं। इसके अलावा हम ओ का भी प्रयोग करते हैं, दोनों, तीनों, चारों, ठीक है। लेकिन अगर प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ ये पूछा है बलवाची प्रत्यय है तो च, एच, हु, इसका अर्थात ऑप्शन नंबर डी सभी छत्तीसगढ़ी में बलवाची प्रत्यय के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो च, एच, इसके अलावा एचे का भी प्रयोग किया जाता है, ओ का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और ये सभी हमारे लिए बलवाची प्रत्यय हैं। तो बलवाची प्रत्यय में च, एच, हु यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी हमारे लिए बलवाची प्रत्यय हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, दईहान में प्रयुक्त प्रत्यय शब्द है, दईहान में प्रयुक्त प्रत्यय शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है हान, ऑप्शन नंबर बी है न, ऑप्शन नंबर सी है इहान और ऑप्शन नंबर डी है आन। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी में दईहान जहां पर गायों और मवेशियों को इकट्ठा किया जाता है उसे कहा जाता है, तो इसमें प्रयुक्त प्रत्यय है हमारे लिए ऑप्शन नंबर डी आन प्रत्यय। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए हान, न और इहान दिया है, लेकिन आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दईहान में आन प्रत्यय जुड़ा, जैसे लगान, पठान, उड़ान, चट्टान कहते हैं, वैसे ही यहां पर हमारे लिए दईहान में आन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न क्या पूछता है, गोरसी के आगे होना मुहावरे का अर्थ है। छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत
मुहावरा और लोकोक्ति का विशेष भंडार देखने को मिलता है। लोक साहित्य में अपना विशेष स्थान बनाने वाली इस लोकोक्ति मुहावरे की एक सहगामिनी और है जिसे जनौला के नाम से पुकारा जाता है। अपने अनुभव को साझा करने के लिए, अपने यथार्थ और सच्चाई के अनुभव को लोगों तक पहुंचाने के लिए लोगों द्वारा उक्त बातों को छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत हाना के नाम से पुकारा जाता है, जिसे हिंदी में हम कहावत कहते हैं। छत्तीसगढ़ी में इसे हम हाना भी कहते हैं, कहावत भी कहते हैं, केवात भी कहते हैं, ठीक है। और देखा जाए तो मुहावरा मुंह से व्यक्त एक वाक्यांश होता है जो विशेष अर्थ को प्रस्तुत करता है। इस मुहावरे और लोकोक्ति से छत्तीसगढ़ी पीएससी के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा से अपना स्थान बनाकर यह चलता है। यहाँ हिंदी के मुहावरे का छत्तीसगढ़ी मुहावरे से मेल करने के लिए और छत्तीसगढ़ी मुहावरे और हिंदी मुहावरे के अर्थ को तर्कसंगत बनाने के लिए प्रश्न हमेशा से पूछे जाते रहे हैं। इसलिए यहाँ गोरसी के आगी होना मुहावरे का अर्थ है कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आग तापना, ऑप्शन नंबर बी है भीतर ही भीतर ईर्ष्या होना, ऑप्शन नंबर सी है गर्मी होना और ऑप्शन नंबर डी है गुस्सा करना। गोरसी क्या होता है? छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मिट्टी से बना हुआ एक पात्रनुमा बर्तन जैसा होता है जिसके अंतर्गत कंडे और छोटे छोटे लकड़ियों को रखकर जलाया जाता है। जब उसकी राख बुझ जाती है, लेकिन दिखने के लिए ऊपर से राख बुझा हुआ दिखाई देता है लेकिन अंदर उस राख के आग होता है, तो इसका एक अनुभव कि जो व्यक्ति अंदर ही अंदर ईर्ष्या रखता है उसे गोरसी के आगी रखे है मन में, ऐसा जो है कहा जाता है। इसलिए गोरसी के आगे होना मुहावरे का अर्थ है भीतर ही भीतर ईर्ष्या रखना, कि जिस तरह आग ठंडी होने के बावजूद अंदर में उसकी अग्नि होती है, वह अंदर से गर्म होता है, तो गोरसी के आगे होना मुहावरे का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी भीतर ही भीतर ईर्ष्या का होना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अगला प्रश्न कहता है चंद्र लगना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए ग्रहण करना, ऑप्शन नंबर बी समाज बहिष्कृत, ऑप्शन नंबर सी टीका लगाना, ऑप्शन नंबर डी मरते समय मनुष्य की आंख का खुला रह जाना। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो व्यक्ति मरणासन्न अवस्था में होता है, मृत्यु के बहुत करीब होता है और मृत्यु के समय जब उसकी आंखें खुली रह जाती है तो उसे चंद्र लगना के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो चंद्र लगना मुहावरे का अर्थ है मरते समय मनुष्य की आंख का खुला रह जाना। अब आते हैं अगले प्रश्न में, दुब्बर ला दो आषाढ़ मुहावरे का अर्थ है। अधिक मास आना, दोबारा आषाढ़ माह आना, तीसरा दोहरा कष्ट होना और चौथा कोई नहीं। तो दुब्बर ला दू आषाढ़ मुहावरे का अर्थ है दोहरा कष्ट होना, यानी कि दोहरा कष्ट होना मतलब दुब्बर ला दू आषाढ़, जो कमज़ोर व्यक्ति है जो खेती कर रहा है उसके लिए तो वैसे ही आषाढ़ के महीने में जो वर्षा होती है उसके अलावा और यदि अधिक मास के बढ़ने से उसे तकलीफ हो रही है तो वहाँ पर वो ऐसे शब्द का प्रयोग करता है जहाँ उसे दोहरे कष्ट का सामना करना पड़ता हो। तो दुब्बर ला दू आषाढ़ मुहावरे का अर्थ है दोहरा कष्ट होना। अगला प्रश्न है दुर्लभ होना, दुर्लभ होना इस अर्थ है तो निश्चित मुहावरे का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है जमा का फूल होना, ऑप्शन नंबर बी है डूमर का फूल होना, ऑप्शन नंबर सी है डूमर कीड़ा होना, ऑप्शन नंबर डी है बी और सी दोनों। हिंदी की भाषा के अनुसार जवा का फूल होना दुर्लभ होना का एक उदाहरण माना जाता है, लेकिन चूंकि यह प्रश्न पत्र छत्तीसगढ़ी भाषा का है इसलिए हिंदी के भाषा से इसे रिलेट करके नहीं चलेंगे। तो दुर्लभ होना के अर्थ के लिए छत्तीसगढ़ी में दो प्रकार के मुहावरे जो हैं प्रयोग किए जाते हैं, डूमर का फूल होना भी कहा जाता है और डूमर कीड़ा होना भी कहा जाता है, अर्थात इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। तो दुर्लभ होना अर्थ हेतु मुहावरे का चयन कीजिए कहता है, तो ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। अब चलते हैं अगले प्रश्न में, यहाँ पर दिया है एक हाथ खीरा के
खालिस्तान, एक हाथ खीरा के नौ हाथ खालिस्तान, लोकोक्ति में छूटा हुआ शब्द को भरना है। ऑप्शन नंबर ए है नार, ऑप्शन नंबर बी है पाना, ऑप्शन नंबर सी है बीजा, ऑप्शन नंबर डी है ढेखरा। तो यह एक लोकोक्ति है, लोगों द्वारा उक्त बातों को लोकोक्ति कहा जाता है। साथ में इसे कहावत और छत्तीसगढ़ी में इसे हाना के नाम से पुकारा जाता है। किसी व्यक्ति को समझाने के लिए, चेतावनी देने के लिए, प्रहसन और व्यंग के लिए छत्तीसगढ़ी में हिंदी की तरह हाना का प्रयोग किया जाता है। जबकि मुहावरे वाक्यांश होते हैं जो तीन या चार शब्द का होकर भी एक लाक्षणिक अर्थ को प्रस्तुत करते हैं। इस मुहावरे के लिए एक उचित वाक्य की आवश्यकता पड़ जाती है जब उसे वाक्य के भीतर प्रयोग करना होता है। लेकिन लोकोक्ति चूंकि संपूर्ण कथन होती है इसलिए इसे वाक्य के भीतर प्रयोग करने की उतनी आवश्यकता महसूस नहीं होती जितनी कि आपकी मुहावरे की होती है। अधिकांश मुहावरे शरीर के अंगों पर आधारित होते हैं और अंतिम वर्ण उसका ना होता है, लेकिन जो लोकोक्ति है वह आपके अनुभव पर आधारित माना जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रचलन के अनुसार एक सबसे प्रचलित लोकोक्ति कही जाती है, एक हाथ खीरा के नौ हाथ। अब वो अंत में कौन सा शब्द है, क्या वो नार है, क्या वो पाना है, क्या वो बीजा है, क्या वो ढेखरा है। तो एक प्रचलित हाना है, एक हाथ खीरा के नौ हाथ बीजा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। कब बाबा मर ही ता बरा चूर ही, इसका अर्थ है पकवान का इंतजार, कार्य का अनिश्चित होना, बरा खाने की इच्छा या ऑप्शन नंबर डी उम्मीद लगाना। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियों में से सबसे लोक प्रचलित हाना कहलाता है। कब बाबा मर ही ता बरा चूर ही, कुछ लोग कहते हैं कब बाबा मर ही ता बरा खाबो, तो इसका मतलब ये होता है कि कार्य का अनिश्चित होना, यानी कि जब छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मृत्यु भोज होता है या अंतिम विदाई का पकवान बरा को माना जाता है, तो छत्तीसगढ़ में भी एक लोगों के द्वारा हंसी मजाक में अगर कोई मरणासन स्थिति में बुजुर्ग है तो उसके मृत्यु भोज में बड़ा खाने को मिलेगा, ऐसा उनका एक मजाकिया तौर पे कहने वाला लोकोक्ति है। तो कब बाबा मर ही तब बरा चूर ही का अर्थ है कार्य का अनिश्चित होना। कथनी और करनी में अंतर, इस अर्थ हेतु उपयुक्त हाना का चयन कीजिए। ठीक है, कथनी और करनी में अंतर। अब यहाँ पर प्रश्न जो है वो अर्थ को ऊपर लिख दिया गया है, इस अर्थ से संबंधित यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं, उससे उसके संगत बिठानी है कि गाय न गोरु सुख सूते हरु, ऑप्शन नंबर बी चना है ता दांत नहीं और दांत है ता चना नहीं, ऑप्शन नंबर सी गरजे बाघ धरे नहीं, गरजे बादर बरसे नहीं और भूखे कुकुर चाबे नहीं, और ऑप्शन नंबर डी है जत का मुड़ी ओत के हाड़ी। अब देखा जाए तो गाय न गरु सुख सुते हरु का अर्थ है निश्चिंत जीवन, चना है ता दांत नहीं, दांत है ता चना नहीं का मतलब है अवसर का प्राप्त नहीं होना, जत का मुड़ी उतके हाड़ी यानी जितनी मुंह उतनी बातें या परिवार का विघटन। तो आंसर होता है गरजे बाघ धरे नहीं, गरजे बादर बरसे नहीं और भूखे कुकुर चाबे नहीं, अर्थात कथनी और करनी में अंतर होता है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो बरजते हैं वो गरजते नहीं, अर्थात यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर में है ऑप्शन नंबर सी। अगला है रस्सी जल गई पर बल ना गया, इस हिंदी कहावत को चरितार्थ करने वाले छत्तीसगढ़ी हाना निम्न में से कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए तेली के तेल है तब पहाड़ला नहीं पोते, ऑप्शन नंबर बी बासी के नून कभू नहीं हीटे, ऑप्शन नंबर सी सेली के तेल है तब पहाड़ला नहीं पोते और ऑप्शन नंबर डी जोरी जल जाते फिर आट नहीं जावे। एक चीज यहाँ पर थोड़ी सी गलती है कि यहाँ ऑप्शन दो दे दिया है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए जो दिया है वो ऑप्शन नंबर सी में भी दे दिया है, तो चलिए हम इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है तेली के तेल है तो पहाड़ ला नहीं पोते, ऑप्शन नंबर बी दिया है बासी के नून कभू नहीं हीटे, ऑप्शन सी है डोरी जर जाते फिर आट नहीं जावे और ऑप्शन नंबर सी में कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं अचरा मारना। ठीक है,
एक ऑप्शन कर दिया। ये गलत इसलिए होगा क्योंकि ऑप्शन ए में भी वही ऑप्शन था और ऑप्शन सी में था, तो ऑप्शन सी को हमने चेंज कर दिया। ठीक है, तो प्रश्न ने क्या कहा कि रस्सी जल गई पर बल ना गया, यह हिंदी का एक प्रचलित मुहावरा है, इसका छत्तीसगढ़ी के किस मुहावरे से संबंध जुड़ता है। तेली के तेल है तो पहाड़ नहीं पोते, यानी कि अनावश्यक खर्च नहीं करना, इसका कोई संगत नहीं। बासी के नून कभू नहीं हीटे, मतलब किसी के पक्ष में गया वापस नहीं मिलता, इससे भी कोई संगत नहीं है। अचरा मारना छत्तीसगढ़ी में टोना करना को कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए भी गलत, ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन सी भी गलत। लेकिन डोरी जर जाते फिर आट नहीं जावे कहते हैं, तो डोरी का मतलब होता है रस्सी और आट का मतलब होता है अकड़, इसलिए रस्सी जल गई पर बल नहीं गया कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका आएगा डी। अब यहां से प्रश्न आपके पहेलियों से संबंधित है। पहेली जिसे छत्तीसगढ़ी में जनौला कहा जाता है, जिसे बुझौवन कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ की पहेली बुझौवन या जनौला संस्कृत के प्रहेलिका से प्रभावित माना जाता है। समय का सदुपयोग करने के लिए शब्दों का एक ऐसा ताना बाना या जाल बुनना जो अपने आसपास के प्राकृतिक तत्व, दैनिक दिनचर्या में प्रयोग होने वाले तत्व या ऐसे चीजों की ओर इशारा करते हैं जिससे एक उचित प्रश्न पूछे जाने पर जवाब की कोई उम्मीद हो। यदि हम उसे समझ बूझ से समझ लेते हैं तो बुझौवन है, यदि जब पूछा गया उसके उत्तर को जान गए तो जनौला है, और देखा जाए तो इसे पहेली संस्कृत के प्रहेलिका से माना जाता है। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत लोक साहित्य में मुहावरा, लोकोक्ति और जनौला को विशेष स्थान जो है वो दिया गया है। तो मुहावरे लोकोक्ति से प्रश्न तो पूछे जाते हैं, साथ में पहेलियों से भी हमेशा छत्तीसगढ़ पीएससी में प्रश्न पूछा गया है। तो यहां पर है प्रश्न कि तारे के लिए छत्तीसगढ़ी पहेली क्या है, उत्तर है तारा। ठीक है, इसके लिए इसमें छत्तीसगढ़ी पहेली कौन सा है, ऑप्शन ए नंद बाबा के 900 गाय दीने चढ़त चरे बर जाए, ऑप्शन नंबर बी है एक थारी में दो अंडा एक गरम एक ठंडा, ऑप्शन नंबर सी है पर्रा भर लाई गगन भर बिछराई, और ऑप्शन नंबर डी है ए और सी दोनों। फिर से कंफ्यूजन क्रिएट किया, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है वह तारे का एक बहुत ही अच्छा प्रयोग पहेली के तौर पर है, तो सबसे पहला ध्यान हमारा चला जाता है ए में। लेकिन देखा जाए तो सी में भी तारे से संबंधित पहेली ही है, यानी यहां एक विषय पर आधारित कभी एक कभी कभी दो पहेलियां भी एक ही उत्तर के लिए बनाई गई हैं। जैसे नंद बाबा के 900 गाय दीने चढ़त चरे बर जाए, इसका अर्थ भी तारे हैं, जहां दिवस अवसान हो जाता है तब जो चंद्रमा के तारे हैं, जो आसमान के तारे हैं, वो दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होता है वो जैसे चरने चली गई हों, गायब हो गई हों, वैसा प्रभाव देखता है। और इसी तरह पर्रा भर लाई गगन भर बिछराई कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के आधार पर तारे के लिए छत्तीसगढ़ी पहेली ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों है। ठीक है, तो प्लीज आप प्रश्न में जो ऑप्शन दिया गया है बेटा उसको पूरा पढ़िएगा, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए प्रश्नों के उत्तर में हेर फेर किया जाता है। ठीक है, इसलिए हमेशा चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ें, कभी कभी ऑप्शन डी जो है वो आंसर क्लियर होता है, जो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऑप्शन नंबर ए में भी वही उत्तर दिए होते हैं। तो ध्यान से बहुत अच्छे से प्रश्न के ऑप्शन को आप पढ़ा करें। आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है बोवत देखे हो बउटरा, बोवत देखे हो बउटरा जामत देखे हो कुसियार, ढाई महीना के छोकरा दाढ़ी मीठा मा होशियार, इसका जनौला का जवाब क्या है। ऑप्शन ए है चना, ऑप्शन बी है बाजरा, ऑप्शन सी है भुट्टा और ऑप्शन डी है तिल। तो अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी भुट्टा, जिसे छत्तीसगढ़ी में जोंधरी या कुछ क्षेत्र विशेष में जोंधरा कहते हैं। जब हम भुट्टे के दाने को बोते हैं तब क्या होता है कि वो मटर के दाने की तरह दिखाई देता है, तो बोवत देखे होता है बउटरा।
जब वो थोड़ा सा पौधा बड़ा हो जाता है तो वह कुसियार गन्ने की पौधे की तरह दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वह 2.5 माह की फसल होती है तो उससे जो है वो मूंछ निकलना यानी कि उसके जो रेशे हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं। तो बोमत देखे बउटरा जामत देखे कुसियार 2.5 महीना की छोकरा दाढ़ी में छमा होशियार। तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर सी भुट्टा। अब आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है कांधे आए कांधे जाए नेंग नेंग मा मारे जाए। तो इस जनौला का उत्तर है ऑप्शन ए है तबला, ऑप्शन बी है मोहरी, ऑप्शन सी है सारंगी, ऑप्शन डी है मांदर। कांधा छत्तीसगढ़ के अंदर हम कांधा कंधे को कहते हैं, खांधा भी कहते हैं। तो देखा जाए तो तबले को तो कोई कांधे पर नहीं लाएगा, ना ही मोहरी को, ना ही सारंगी को। तो कांधे आए कांधे जाए एक ऐसा वाद्य यंत्र जो कंधे में लटका कर रखा जाता है और नेंग नेंग पर मारा जाता है, मतलब कि कांधे आए कांधे जाए नेंग नेंग में मारे जाए, ताल के अनुसार उसे ठोका जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी मांदर। अब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ओला देखे दू झन ओला बीने 10 झन ओला खावे 32 झन और स्वाद पावे 1 झन। प्रश्न ने क्या कहा है कि ओला देखे 2 झन ओला बीने 10 झन ओला खावे 32 झन और स्वाद पावे 1 झन। इस जनौला का उत्तर क्या है? क्या वो फल है, क्या वो जीभ है, क्या वो मुख है, क्या वो हाथ है? देखा जाए तो हम यहाँ पर देखेंगे तो यदि किसी फल को गिरा हुआ देखते हैं तो उसे आंखें देखती है, मतलब ओला देखा है 2 झन मतलब उसे दोनों आंखें देखती है। ओला बिना 10 झन मतलब 10 उंगलियों की सहायता से हम उसे पकड़ते हैं। ओला खावे 32 झन मतलब कि जो पूरे 32 दांत है वो उसे खाने का काम करता है, लेकिन स्वाद पावे 1 झन स्वाद केवल किसी एक को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए हर एक चीज दिया है, लेकिन प्रश्न ने पूछा है ओला देखा है 2 झन ओला बिना 10 झन ओला खाए 32 झन और स्वाद पावे 1 झन। तो स्वाद किसको मिलता है? ऑप्शन नंबर बी जीभ को स्वाद जो है वो प्राप्त होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति मुहावरा पहेली के बाद कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो छत्तीसगढ़ी शब्दकोश से पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत किस शब्द को किस नाम से पुकारा जाता है, इससे भी संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं। जो खाने पीने की चीजें होंगी, वस्तुएं होंगी, प्राकृतिक तत्व होंगे, पशु पक्षी के नाम हो सकते हैं, अनाज हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा शब्द जिसका छत्तीसगढ़ी में विशेष नाम है उन्हें छत्तीसगढ़ी शब्द कोश के अंतर्गत से पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ प्रशासनिक नियमों में प्रयोग होने वाले शब्दों का भी प्रभाव छत्तीसगढ़ी प्रशासनिक शब्द के तौर पर पूछे जाते रहे हैं। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ी में दांत दिखाने वाला हेतु छत्तीसगढ़ी शब्द है ऑप्शन नंबर ए दतला, ऑप्शन नंबर बी खेबड़ा, ऑप्शन नंबर डी टिपका और ऑप्शन नंबर डी है दंत नीपोर। चारों ऑप्शन में दांत का संबंध है, परंतु छत्तीसगढ़ी में जिस व्यक्ति के दांत बाहर निकले होते हैं उसे दतला कहते हैं, ठीक है। खेबड़ा जिसके दांत उबड़ खाबड़ होते हैं उसे खेबड़ा कहते हैं। टिपका ऐसा कोई विशेष शब्द नहीं है, लेकिन जो बार बार हर बात में दांत निकालता है तो बार बार दांत निपोरने वाला या बार बार दांत निकालने वाला या दांत दिखाने वाले व्यक्ति को दत्त निपोर के नाम से छत्तीसगढ़ी में पुकारा जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 48 दांत दिखाने वाला हेतु छत्तीसगढ़ी शब्द है ऑप्शन नंबर डी दत्त निपोर। अब आते हैं अगले प्रश्न में। छत्तीसगढ़ी शब्द पुरैन का प्रयोग किसके लिए है? छत्तीसगढ़ी शब्द पुरैन का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए है पूरी, ऑप्शन नंबर बी है काजल, ऑप्शन नंबर सी है पूर्ववासी और ऑप्शन नंबर डी है कमल। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो पुरैन है वह कमल को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए लोटस और वाटर लिली दो अलग अलग पुष्प होते हैं, ठीक है। जो कमल है, पद्मनाभ है, जलज है, उसे छत्तीसगढ़ी में पुरैन कहते हैं, लेकिन जो कुमुदिनी होती है उसे छत्तीसगढ़ी में खोखमा कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ी में पुरैन का प्रयोग जो है ऑप्शन नंबर डी कमल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में आते हैं।
सिरतोन का शाब्दिक अर्थ है, छत्तीसगढ़ी में सिरतोन का शाब्दिक अर्थ है, ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी एकदम स्वच्छ, ऑप्शन सी है सचमुच और ऑप्शन डी है चिंता रहित। तो छत्तीसगढ़ी में सिरतोन यानी कि सर्टेनली ट्रू यदि हम कहते हैं, तो हिंदी में यदि हम कहते हैं कि सचमुच ऐसा हुआ क्या, तो छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत सिरतोन हम कहते हैं सचमुच को, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सिरतोन का शाब्दिक अर्थ है सचमुच। लास्ट वन क्वेश्चन है लेवना क्या है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत लेवना क्या है, ऑप्शन नंबर ए है पकवान, ऑप्शन नंबर बी है लेप, ऑप्शन नंबर सी है मक्खन और ऑप्शन नंबर डी है लेना। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मक्खन को लेवना कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी मक्खन, ये छत्तीसगढ़ी में लेवना को कहा जाता है। आज के वीडियो में छत्तीसगढ़ी भाषा के अंतर्गत मैंने वो छोटी छोटी चीज़ों को बताया जिससे हमेशा से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। हाँ, प्रश्नों का दायरा थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि हिंदी की तरह छत्तीसगढ़ी भाषा में भी हमें केवल 2 FTR मिले हुए हैं। किसी भी प्रश्न से आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैं हर एक टॉपिक से हर एक तरह के प्रश्न को आपको हल कराती हुई चल रही हूँ। आने वाले वीडियो में हिंदी भाषा की ही तरह छत्तीसगढ़ी भाषा के विकारी और अविकारी शब्दों के साथ छत्तीसगढ़ी की संधि और समास को लेकर हम प्रश्नों को हल करेंगे। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और मेरे वीडियो के माध्यम से पढ़ते रहिए ताकि आपको सी सेट के प्रश्न में हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। तब तक के लिए मेरे सभी बच्चों को ढेर सारे शुभकामनाएं। लव यू टू ऑल माय बच्चा एंड गॉड ब्लेस यू। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।